જોઈ રહ્યા છો સ્પીડ ન્યૂઝ 17 ડિજિટલ લાઈવ. હું છું આપની ચૈતી એન્કર પાયલ બામણિયા. સ્પીડ ન્યૂઝ 17 ડિજિટલ લાઈવ માં આપનું સ્વાગત છે. તો જોઈએ આજના મહત્વના સમાચારમાં. લાઈક કરો, શેર કરો, સબસ્ક્રાઇબ કરો સ્પીડ ન્યૂઝ 17 ડિજિટલ લાઈવ. હરમેશ સત્યની સાથે. नई दिल्ली सुल्तानपुर में हुई बैठक में विचार की गया कि वीर अब्दुल अमित जी का जन्मदिन मनाया जाए. इस विचार से सब हुए खुश. वीर अब्दुल अमित फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अली इमाम भारती और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कन्हैयालाल गुप्ता उर्फ केएल गुप्ता जी ने वीर अब्दुल अमित के जन्मदिन की तैयारी में लगे 1 जुलाई को कुर्बानी दी. उनका जन्म दिवस पूरे खुशियों के साथ प्रशासनिक कार्यालय में हम लोग मनाने जा रहे हैं, जिसमें हमारी तैयारी होगी कि बर्थडे को एक नया थीम दे, क्योंकि शौर्य और सम्मान परमवीर चक्र विजेता अब्दुल साहब की गरिमा को कायम रखने के लिए हम लोग भव्य तैयारी कर रहे हैं, जिसका नेतृत्व सोशल गुरु संजय भाई हमारे बड़े भाई के समान राष्ट्र हित चिंतन मंच के संस्थापक सह राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजीनियर सूरजकांत साहब और हमारे बड़े भाई खान साहब के नेतृत्व में हम लोग बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं, जो देश के सैनिकों का कोरोना वॉरियर्स का हौसला अफजाई करने का काम करेंगे. ये जो वीर अब्दुल हमीद का जो जन्मदिवस है कहाँ मनाया जाएगा? इसे वीर अब्दुल हमीद फाउंडेशन के प्रशासनिक कार्यालय सुल्तानपुर मेहरौली नई दिल्ली 30 में मनाया जाएगा. जी आपका नाम? मेरा नाम संजय भाई. जी अभी केएल गुप्ता जी ने जो बात बताई है, इस बात के बारे में आप क्या कहेंगे, किस तरीके से आप उनका जन्मदिन मनाएंगे? हम लोग परमवीर चक्र विजेता वीर अब्दुल हमीद जी का जो 1 जुलाई को जयंती मनाने जा रहे हैं, उसको हम लोग ऐतिहासिक रूप में, अभी वैश्विक कोरोना महामारी चल रहा है और इस महामारी में जो फ्रंट लाइन में काम जो सेवा दिए हैं देश हित में, वैसे लोगों को हम लोग एक डाटा इकट्ठा कर रहे हैं, उनको हम लोग सम्मानित करेंगे, उन्हें प्रोत्साहित करेंगे, ताकि एक इतिहास में जिस तरह का वीर अब्दुल हमीद जी का जयंती के दिन हम वैसे लोगों को जो देश हित के लिए, समाज हित के लिए, राष्ट्र हित के लिए जो काम करने वाले हैं, चाहे तो वो चिकित्सक हो सकते हैं, सैनिक हो सकते हैं, सिविल डिफेंस के वॉलंटियर हो सकते हैं, नर्सिंग स्टाफ हो सकते हैं, वैसे लोग जो बेचारे कोविड सेंटर में जो बेचारा खाना बना रहे हैं, वैसे लोगों को हम लोग ढूंढेंगे और उनको हम लोग वीर अब्दुल हमीद कोरोना अवार्ड से सम्मानित करने का काम करेंगे. ये बहुत बढ़िया आपकी सोच. ये सर आपका नाम? मेरा नाम सूर्यकांत शुभचिंतक है और मैं राष्ट्रीय चिंतक मंच का संस्थापक हूँ. और हमारे भाई केएल गुप्ता जी ने जो परमवीर चक्र विजेता अब्दुल हमीद जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में जो कार्यक्रम रखा है वो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इस समय देश के लिए लड़ने वाले जो सच्चे सपूत है उनका तो जन्मदिन है ही, साथ में वो लोग जो आज कोरोना वॉरियर के रूप में अपनी भूमिका निभा रहे हैं, कहीं ना कहीं वो भी अपनी जान हथेली पर रखकर देश और समाज के लिए काम कर रहे हैं, उनका सम्मान भी इस दिन किया जाएगा, ये बहुत गौरव की बात है. शुक्रिया. जी सर आपका नाम? बादल खान, बिल्डिंग निर्माण मजदूर यूनियन जनरल सेक्रेटरी. जी अभी जो गुप्ता जी ने बताया और संजय जी ने बताया कि लोगों के आप लोग हेल्प भी करते हैं, इसमें जो जन्मदिन के जो दिन हैं उसमें आप लोग क्या तैयारी कर रहे हैं और जो गरीबों के लिए उनके बारे में भी कुछ सोचे हैं? देखिए गुप्ता जी, संजय भाई, हमारे सूर्यकांत जी जो हमें आदेश देंगे उसका मैं पालन करने का पूरा प्रयास करूँगा. जहाँ तक वीर अब्दुल हमीद जी ने जिस तरह से इतिहास रचा, उस तरह से उस दिन भी वैरियर को निकाल करके उनकी भी हौसला अफजाई किया जाएगा, ताकि वो देश के रीढ़ की हड्डी जो हैं उसमें और कंक्रीट हैं उनको हम लोग हौसला अफजाई दें और करें. थैंक यू.